Hey guys, Comic Quest के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो कल रात फाइनली हमने जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग का पहला ट्रेलर देखा। वैसे तो 2017 में मूवी देख चुके हैं, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि इस बार बात कुछ अलग होगी। और इस ट्रेलर को देखकर ये बात क्लियरली समझ में आती है, ये क्लियरली दिखता है कि जैक ने अपनी मूवी पर कितनी मेहनत करी थी और फिर उस पर वीडन और WB वालों ने कितनी बाल्टी भर भर के पानी डाला। और अब फाइनली हमें जैक की जस्टिस लीग का एक अनफिल्टर्ड और एक्चुअल में वैसा वाला वर्जन देखने को मिलने वाला है जो वो हमें दिखाना चाहते थे और हम लोग देखना चाहते थे। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपने स्नाइडर कट के ट्रेलर में मोस्ट प्रोबेबली मिस कर दी होंगी या फिर वो जो हमने वीडन कट में नहीं देखी। तो बिना इस वीडियो को कट और एडिट किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, एस्पेक्ट रेशो। तो इस ट्रेलर के बारे में जो चीज आप सबसे पहले नोटिस करेंगे वो है इसका एस्पेक्ट रेशो, जो ट्रेडिशनली किसी भी मूवी का 1920x1080 होता है, मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप का। लेकिन ये वाला रेक्टेंगुलर ना होके स्क्वायर फॉर्म में है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मेन मूवी ऐसी नहीं होगी तो आप लोग बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैक ने बात स्पेसिफिकली कंफर्म करी है कि जब भी कोई मूवी थिएटर्स में रिलीज होती है तो उसके ऊपर और नीचे तो ऐसे पट्टे डाल दिए जाते हैं जो फुटेज की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स को छुपा देते हैं। लेकिन सिंस ये मूवी थिएटर्स में नहीं बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होगी तो वो इसके एस्पेक्ट रेशो के साथ खेल सकते हैं ताकि हमें बेस्ट और कंप्लीट डिटेल्स मिल सके। तो इसीलिए ये मूवी ट्रेडिशनल रेक्टेंगुलर डिजाइन नहीं बल्कि इसी स्क्वायर शेप में होगी। नंबर 2, डार्क साइड। तो टेक्निकली डार्क साइड इस मूवी के ट्रेलर में दिखने वाली सबसे पहली चीज है और जैक ने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि उनके कट में डार्क साइड न केवल एग्जिस्ट करेगा बल्कि उसके डायलॉग्स भी हैं, जिन्हें रे पोर्टर ने काफी अच्छी तरह से कहा है। और इस सीन में हम डार्क साइड को साक्षात अर्थ पे आके किसी का काम डालते हुए देख सकते हैं। तो ये ऑब्वियसली मूवी का वो न्यू गॉड्स और अर्थ के डिफेंडर्स वाला बैटल है जिसमें जॉश वीडन ने डार्क साइड को हटा के स्टीफन वुल्फ डाल दिया था और अब फाइनली हम लोग डार्क साइड को वापस आता हुआ देख सकते हैं। और ये बात काफी हद तक मेक सेंस भी करती है क्योंकि स्टीफन वुल्फ एक ऐसा कैरेक्टर नहीं था जो इतने बड़े इन्वेजन को अकेला लीड कर सके। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है डार्क साइड का लुक, क्योंकि नॉर्मल से काफी ज्यादा दुबला पतला लग रहा है और नॉर्मल तौर पे हम लोग डार्क साइड को वेपन्स का यूज कम और अपनी ओमेगा बीम्स का यूज करते हुए ज्यादा देखते हैं। अपने हाथों को तो पीछे बांध के रखता है, तो क्या इस सीक्वेंस या इस सीन के टाइम पर डार्क साइड के पास ओमेगा बीम्स नहीं है? तो फिर उसकी चेस्ट पर ये ओमेगा सैंक्शन का सिंबल क्यों है? और अगर कॉमिक बुक से कंपेयर करें तो ये वाला लुक डार्क साइड से ज्यादा उक्सास से मिल रहा है, वो किसान जो वो ओमेगा सैंक्शन मिलने से पहले था। और आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए। नंबर 3, जस्टिस लीग। तो ये सीन मेनली नाइटमेयर सीक्वेंस का है जिसे हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में देखा था और यहाँ पे भी हम लोग जस्टिस लीग के हॉल ऑफ जस्टिस को डिस्ट्रॉयड देखते हैं जो प्रेजेंट टाइमलाइन में अभी तक बनी ही नहीं है। और नाइटमेयर सीक्वेंस में ये बात तो समझ में आ ही चुकी है कि एक काफी फ्यूचर की सीक्वेंस है जहां पर डार्क साइड ने अपनी एंटी लाइफ इक्वेशन की मदद से पूरी की पूरी अर्थ को टेक ओवर कर लिया है और उन सब में सुपरमैन भी है। और इस नजारे को देख के लग रहा है कि ये चीज जस्टिस लीग के लिए बिल्कुल भी अच्छी साबित नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक्वामैन का ट्राइडेंट देख सकते हैं और शायद ही वंडर वुमन की शील्ड और उसकी सोर्ड है। और मैं बता नहीं सकता कि सीक्वेंस को देखकर मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि नाइटमेयर एक ऐसी सीक्वेंस थी जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी और उसका क्लोजर हमें कभी देखने को ही नहीं मिला। लेकिन फाइनली जैक स्नाइडर के कट से ये चीज अब चेंज हो जाएगी। नंबर 4, जोकर। फिर इसके बाद वाली नेक्स्ट चीज इसी सीक्वेंस में है और ये इतना जल्दी होती है कि अगर आपने ब्लिंक किया तो आप इसे मिस कर दोगे। और वो है ये जला हुआ सा जोकर कार्ड जो पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहा है। अब बस एक ईस्टर एग भी हो सकता है, लेकिन जैक ने अगर इसे इस ट्रेलर में रखा है तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा रीजन जरूर होगा। तो हो सकता है कि इस नाइटमेयर टाइमलाइन में जो कुछ भी हुआ हो उन सब चीजों के पीछे जोकर का बहुत बड़ा रोल हो। मे बी इनजस्टिस के जैसे यहाँ भी हो सकता है कि उसने लोइस को मारा हो, बट फिर कौन सा जोकर होगा ये? जेरेड लेटो वाला? जहां तक मुझे याद है जेरेड का जोकर कार्ड से ज्यादा टैटूज और लोहे के दांत का फैन है, और इस तरह के कार्ड को अपने पास रखना जेरेड का साइन नहीं लगता। और इस पूरे के पूरे जोकर कार्ड के बारे में आप सभी को क्या लगता है कमेंट्स में बताओ। नंबर 5, वार्निंग एरो। तो इस वाले सीन में हम लोग अमेज़न के उस वार्निंग एरो को देख सकते हैं जो उन्होंने स्टीफन वुल्फ के इन्वेजन को बताने के लिए यहाँ पे भेजा था। एंड आई नो कि ये ऐसी चीज नहीं है जो आपने इस ट्रेलर में मिस करी होगी, लेकिन ये वीडन के कट से काफी डिफरेंट है, क्योंकि वीडन के कट में डायना बस इसे न्यूज पे देखती है, लेकिन यहाँ पे वो खुद उसके पास गई है और ये सीन देखने में काफी ज्यादा इमोशनल इम्पैक्ट देता है, पर्सनल फील होता है। नंबर 6, ब्लैक सूट। फिर इसके नेक्स्ट वाले सीन में हम लोग सुपरमैन के ब्लैक सूट को देख सकते हैं जो उसे अपनी फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से मिला है, लेकिन इसके आसपास देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ भी कोई ना कोई बैटल हुई हो, क्योंकि डिस्ट्रक्शन है, चीजें टूट फूट चुकी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि सुपरमैन ने गुस्से में आकर ये सारी चीजें खुद ही तोड़ी हों,
लेकिन फाइनली वो अपने ब्लैक सूट को पहन चुका है। और सुपरमैन ब्लैक सूट क्यों पहनता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसे अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रही है, जाके देख सकते हो। नंबर 7, फ्लैश की सीक्रेट आइडेंटिटी। तो इस सीन में हम लोग बैरी को आयरिस की जान बचाता हुआ देख सकते हैं, और ये सीन जॉश वीडन ने पूरी तरह से कट कर दिया था। उन्होंने तो आयरिस को ही मूवी से हटा दिया। लेकिन जैक के कट में हम लोग आयरिस का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल देखेंगे, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बैरी ने आयरिस की जान बचाने के लिए स्पीड फोर्स का यूज भी किया है। लेकिन मेन बात यह है कि आयरिस के मिलने से पहले ही उसे ये चीज पता चल चुकी है कि गंगा मतलब बैरी ही फ्लैश है। उसने अपने आप को अभी तक फ्लैश नाम नहीं दिया है, बट इस यूनिवर्स में आयरिस को पहले से ही पता होगा कि फ्लैश कौन है। हो सकता है कि चीज फ्लैश पॉइंट के बाद चेंज हो जाए, जो कि काफी हाई चांसेस है कि हो भी सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए यही कैनन है। नंबर 8, डिसार्ड। फिर इसके बाद वाले नेक्स्ट सीन में जो कैरेक्टर दिखाया है भी काफी नया है, क्योंकि वीडन के कट में इसका कोई भी मेंशन नहीं था, और इसे देखकर यह चीज साफ लग रही है कि डार्क साइड की तरफ से है, लेकिन ना तो ये स्टेपन वुल्फ है और ना ही डार्क साइड। और इसके हुड को देखकर ये डार्क साइड का नालायक चमचा डिसार्ड लग रहा है। अब अगर ये इस मूवी में आ ही चुका है तो डेफिनेटली मतलब पूरी मूवी में अब ये डार्क साइड की चाटेगा। नंबर 9, ब्रिंग आउट द बिग गन्स। तो ये वाला सीन तब का है जब सुपरमैन जिंदा होता है और बाकी के सुपर हीरोज पर अटैक करने लगता है। लेकिन वीडन के कट में बैटमैन लोइस को लेके आता है ब्रिंग आउट द बिग गन्स बोल के, जो स्नाइडर कट में नहीं होगा, क्योंकि लोइस उसे यहीं पे देख लेती है और शायद वो खुद उसके पास जाकर उसे रोक लेगी। और ये वीडन ने बस इसीलिए किया था ताकि फ्लैश की उस नाइटमेयर वाली सीक्वेंस को मूवी से हटा के भी उसके लोइस इज द की वाले डायलॉग का मतलब निकाल सके। नंबर 10, साइलस मैनहट्टन। तो इस वाले सीन में हम लोग साइबॉक के पिता डॉक्टर साइलस स्टोन को मदर बॉक्स के कारण पूरी तरह से ऑब्लिटेट होता हुआ देख सकते हैं। और जिन भी लोगों ने वॉचमैन देखी है वो लोग ये समझ गए होंगे कि ये वाला सीन वॉचमैन के डॉक्टर मैनहट्टन वाले सीन से काफी मिलता जुलता है। इनफैक्ट अगर इस पूरे ट्रेलर को देखा जाए तो इसकी थीम काफी हद तक वॉचमैन जैसी है, और इसका बैकग्राउंड स्कोर हैललुया जिसने कल रात न जाने कितनी लाइव स्ट्रीम पे कॉपीराइट दिए हैं हमारी मोहितवर्स के इंक्लूडेड, वो भी वॉचमैन मूवी का था। ऑन साइड नोट, कल पीजे और मैंने मिलकर लाइव किया था हमारे दूसरे चैनल पे, और वहां ऐसे काम हम लोग करते रहते हैं, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 11, स्टेपन वुल्फ। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलती है स्टेपन वुल्फ की पहली झलक, जो जॉश वीडन के सस्ते स्टेपन वुल्फ से काफी ज्यादा अच्छा है, और इसे देख के लग रहा है कि प्रॉपर इविल खतरनाक एलियन है, ना कि किसी आम के खेत का चौकीदार। खैर भले लुक कैसा भी हो, लेकिन स्टेपन वुल्फ का जो कोर कैरेक्टर है वो इस मूवी में वही रहेगा कि वो एक आउटकास्ट है और डार्क साइड को प्रूव करके उसे अपने घर वापस लौटना है। नंबर 12, स्पीड फोर्स। फिर इसके नेक्स्ट वाले सीन में हम बैरी को स्पीड फोर्स से ट्रैवल करता हुआ देख सकते हैं, जो कुछ लोगों के ऊपर से जा रहा है और फाइनली ऐसी कुछ जगह पर पहुंचेगा वो। अब इस सीन में बहुत कुछ तो नहीं दिखाया गया, लेकिन फ्लैश पॉइंट मूवी के लिए ये जगह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जहां से बैरी प्रोबेबली अलग अलग टाइमलाइन को एक्सेस कर सकता है। और जो लोग थोड़ा बहुत भी फ्लैश की स्टोरी लाइन को जानते हैं उन्हें पता होगा कि ये जगह स्पीड फोर्स है। अब स्पीड फोर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसे एक्सप्लेन करने के लिए एक वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग इस वाले स्पीड फोर्स की लाइटनिंग पे ध्यान देंगे तो ये लाइटनिंग भी एरोवर्स के फ्लैश से मिलती जुलती है। तो अगर मैं एक वाइल्ड गेस लूं तो हो सकता है कि शायद इसी टाइम पे बैरी गलती से एरोवर्स में भी पहुंचा हो, और तभी वो इतना कंफ्यूज भी था। वैसे ये वाला फ्लैश हमेशा कंफ्यूज ही रहता है, लेकिन वो भी यंग है तो ये होना काफी ऑब्वियस है। बट आप सभी को इस सीक्वेंस के बारे में क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 13, साइबॉर्ग। फिर इसके नेक्स्ट वाले सीन में हम लोग विक्टर को अपनी पावर्स एक्सप्लोर करता हुआ देख सकते हैं, और इसे रियलाइज होगा कि उसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो इस प्लैनेट के सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन्स तक को कंट्रोल कर सकता है। बट प्रोबेबली ये एक लिटरल से ज्यादा फिलोसॉफिकल सीन है, जहां पर साइबॉर्ग अपनी इनर बैटल्स को लड़ रहा है, और इन वेपन्स को दूर फेंकने का मतलब ये है कि वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता। नंबर 14, किंग एटलान। फिर इसके नेक्स्ट वाले सीन में हम लोग वही ओल्ड गॉड्स और अर्थ के डिफेंडर्स वाली सीक्वेंस को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है किंग एटलान की पहली झलक, जिनके ट्राइडेंट को आर्थर आगे जाके एक्वामैन में पोजेस करेगा। अब वैसे तो जॉश वीडन के कट में ये वाली बैटल 2 या 5 मिनट से ज्यादा की नहीं थी, लेकिन स्नाइडर कट में ये बैटल करीब 20 से 25 मिनट की है, तो 110% हमें इसमें कई सारे बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे, जैसे जूस, एरीज, ग्रीन लैंटर्स और भी पता नहीं कौन कौन। नंबर 15, फोर पार्ट्स। तो ये बात तो सभी को पता है कि ये वाली मूवी 2021 में HBO Max पे रिलीज होगी, लेकिन कल ही जैक ने ये चीज अनाउंस भी करी है कि ये मूवी दरअसल में एक नहीं बल्कि 4 पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है, जिसका एक एक पार्ट टोटल 1 घंटे का होगा, और इन चारों के रिलीज होने के बाद वो लोग इसे पूरी तरह से कंबाइन भी कर देंगे, ताकि जैसे एक बार में पूरी मूवी एक साथ देखनी हो वो भी देख सके।
लेकिन फिलहाल के लिए एक मूवी नहीं बल्कि एक सीरीज की तरह रिलीज होगा जो 4 अलग अलग पार्ट्स में होगी। और इसे लेकर आपके क्या ओपिनियंस हैं, आपको क्या लगता है, ये सारी चीजें कमेंट्स में बताइए। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। और मैं जानता हूँ कि हो सकता है कि आप सभी को मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो लग रही हो, तो उसका रीज़न काफ़ी सिंपल है कि अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं रात भर से सोया नहीं हूँ, तो इसीलिए हो सकता है कि आपको मेरी वॉइस में थोड़ी बहुत कमी लग रही हो, तो वो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर लेना। तो इन सभी चीज़ों के बाद हमारा क्लोथिंग ब्रांड भी लॉन्च हो चुका है, जिसे अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए और एक बार चेकआउट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, thecomicverse.com। तो इन सब चीज़ों के बाद आप सभी को क्या लगता है, DC फैंडम कैसा था? मैं इस पर और भी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि जो भी चीज़ें अनाउंस हुई वो कैसी थी और आपके ओपिनियन में DC का फ्यूचर अब कैसा है। तो इन सब चीज़ों के बाद जाने से पहले कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।